कि जब भी घर आते हैं यानी कि अपने ससुराल आते हैं तो उनकी अलग मान मनुहार होती है। पूरे घर में उन्हीं की पसंद की चीजें भी बनाई जाती है और उनकी हर जरूरत का बहुत ही ज्यादा खास ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन कैसा हो अगर इन्हीं दामाद जी को ससुराल वाले किडनैप कर ले? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में। बिहार के नवगछिया से ससुराल वालों द्वारा दामाद को किडनैप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स के भाई का आरोप है कि ये किडनैपिंग ससुराल वालों ने करवाई है। पीड़ित के भाई ने नवगछिया के SP और रंगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपने भाई के ससुर, भाई की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों पर भाई के अपहरण का आरोप लगा दिया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़ित दिनेश कुमार गुप्ता के भाई विजय कुमार गुप्ता का आरोप है कि उनके भाई की किडनैपिंग भाई के ससुराल वालों ने करवाई है। पीड़ित भाई ने नवगछिया पुलिस अधीक्षक और रंगरा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी। उन्होंने अपने भाई के ससुर शैलेश कुमार गुप्ता, भाई की पत्नी नेहा कुमारी और अन्य रिश्तेदारों का भाई के अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू भी कर दी है। इसी के साथ अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि किडनैप किए गए शख्स की शादी कब हुई थी। दरअसल 7 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई। उसके बाद ये युवक ससुराल से ही संदेहास्पद स्थिति में लापता हो गया। मामला नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला का है। शिकायत में लिखा गया है कि मेरे छोटे भाई दिनेश कुमार गुप्ता की शादी 14 जुलाई 2023 को जहांगीरपुर बैसी के शैलेश कुमार गुप्ता की पुत्री नेहा कुमारी से हुई थी। शादी होने के बाद लड़की को उसके घर नहीं आने देते थे। नवंबर 2023 में हम लोगों ने जब पग फेरा रस्म की मांग की तो दिवाली के दिन मेरे भाई के ससुराल वाले करीब 20 आदमी लेकर आए और मेरे घर पर चढ़कर मारपीट करने लगे, जिससे मेरे भाई दिनेश कुमार गुप्ता को भी सीने में चोट आई और मेरे भाई की सीने की हड्डी क्रैक कर गई, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में किया गया। उन्होंने शिकायत में कहा कि मेरा भाई जब भी ठीक होकर आया तो हम लोगों ने भाई के ससुर से बेटी की विदा करने की मांग की। 14 जनवरी 2024 को मेरे भाई की पत्नी पगफेरा की रस्म करके आई। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे भाई की पत्नी का पहले से ही किसी और लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो किसी से छिप छिप कर व्हाट्सएप पे बात करती थी। इसके बाद मार्च महीने में 15-16 मार्च को रात में मेरे भाई ने देखा कि उसकी पत्नी किसी लड़के से रात में बातें कर रही है। इसके बाद जब मेरे भाई ने उसका मोबाइल लिया तो देखा कि वो व्हाट्सएप पर किसी लड़के से चैटिंग करती है और फोन पर बात भी करती है। इसके बाद भाई जब ससुराल गया उसके बाद से ही लापता है। मेरे परिवार के लोग लगातार उसे ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, पहले चले वो सुना देते हैं। देखिए, परसों उनके छोटे भाई आवेदन देने आए थे कि उनके बड़े भाई जो कि उनके ससुराल गए थे वहाँ से उनके बाद उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। अभी मेरे कार्यालय में भी आकर के वो लोग मिले। हम लोग उनको पूरी तरह से आश्वस्त करवाया कि शीघ्र ही हम लोग उनके भाई को बरामद करके उनको सपोर्ट करेंगे। इस खबर पर और दामाद के लापता होने पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें इंडिया TV क्राइम अलर्ट के साथ।